गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्टिकल 82 देखते हैं, पार्ट 5 में थ्योरी देखते हैं, थ्योरी पार्ट। उसके बाद मैं बताता हूँ इस थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। मैं अपॉन दी कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द अलोकेशन ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा टू द स्टेट्स एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इन टू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज शैल बी ए रीएडजस्टमेंट ये रीएडजस्टमेंट बाय द सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन। देखो भाई, इसमें यही बोला गया है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों की रीएडजस्टमेंट की जाएगी और जनगणना के अनुसार स्टेट की जो सीट्स हैं उनकी भी रीएडजस्टमेंट की जाएगी। बेसिस ऑफ जनसंख्या डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है उसके बेसिस पे। फिर आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया प्रोवाइडेड दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल नॉट अफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग हाउस। मतलब क्या है कि आपको जनगणना होगी, आपको रीएडजस्टमेंट करना है, लेकिन करंट में जो गवर्नमेंट चल रही है, जो भी पावर में गवर्नमेंट है और जो हाउस चल रहा है, तो उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा, वो कंटिन्यू उन्हीं सीटों पे बरकरार रह के चलती रहेगी। बाकी आके जब उसके पीरियड उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसमें जो रीएडजस्टमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग पे आगे गवर्नमेंट अपना काम करेगी। जो हाउस होगा वो आगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। फिर आगे क्या बोला गया, प्रोवाइड फर्दर दैट सच रीएडजस्टमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर स्पेशली एंड अंटिल सच रीएडजस्टमेंट टेक इफेक्ट एनी इलेक्शन ऑफ द हाउस मे बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल कंसिस्टेंसी एग्जिस्टिंग बिफोर सच रीएडजस्टमेंट। इसमें क्या बोला गया कि जो रीएडजस्टमेंट है वो जब होगी जब प्रेसिडेंट के द्वारा ये आदेश दिया जाएगा कि रीएडजस्टमेंट इस समय पे होनी है और इस तरह इस तरीके से होनी है, तो ये बोला गया यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 82 यही बोलता है। उसके बाद कुछ ये है, इसमें देखते हैं क्या है। प्रोवाइड आल्सो दैट अंटिल द रिलेवेंट फिगर फॉर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर द ईयर 2026 हैव बीन पब्लिश इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रीएडजस्टमेंट। देखो भाई, रीएडजस्टमेंट कब होगी, लोकसभा की 2026 के बाद जो भी फर्स्ट जनगणना होगी उसके अनुसार लोकसभा की और स्टेट की जो सीटें हैं उनकी रीएडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रीएडजस्ट, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आगे क्या बोला गया, द अलोकेशन ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल टू द स्टेट स्टेट एज रीएडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 1971, जो अभी स्टेट की जो भी सीटें चल रही हैं वो 1971 के सेंसस के बाद जो रीएडजस्टमेंट हुई थी उसके बेसिस पे चल रहा है। द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरी कंसिस्टेंसीज एज मे बी रीएडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा ये आगे लाइन, ये तो उस टाइम की बात होगी, अब ये आगे 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके बेसिस पे जो आज के टाइम में द डिवीजन ऑफ स्टेट स्टेट का जो टेरिटरी कितनी सीटें होंगी वो इसके बेसिस पे सेंसस जनगणना के अनुसार चल रही हैं। तो मोटा मोटा जो इस आर्टिकल 82 का जो रिजल्ट है वो यही है कि भैया जनगणना होगी, जनगणना के बाद लोकसभा की जो सीटें और स्टेट की जो सीटें हैं उनको रीएडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जनसंख्या इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। दूसरा पॉइंट क्या है, रीएडजस्टमेंट होगी जो करंट में जो लोकसभा चुनी हुई है जो गवर्नमेंट चल रही है उस पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इस पर उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, रीएडजस्टमेंट जब होगी जब प्रेसिडेंट साहब के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि रीएडजस्टमेंट इस समय पे होनी है और इस तरीके से होनी है। चौथा पॉइंट क्या है कि रीएडजस्टमेंट होगी कब, 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उसके अनुसार लोकसभा की और जो भी स्टेट सीट्स हैं उनकी रीएडजस्टमेंट की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू गाइज़।